हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आइए हम सब बात करते हैं हमारे देश में क्या राजनीति चल रही है। जैसे कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें एनडीए की सरकार बन गई है। सरकार बनने के बाद में संसद का सत्र होता है। एनडीए तो खैर गठबंधन की सरकार बनी है, तो अब की बार जो विपक्ष है वो भी तगड़ा है, मुद्दे की बात करता है और उसके बाद में संसद का सत्र होता है। तो ये पहला सत्र है, संसद का पहला दिन है, तो इसमें बहुत अलग हुआ है जो 10 साल में देखने को नहीं मिला है। पहले ही दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें हुई हैं, बड़े बड़े मुद्दे भी बातें हुई हैं और उसमें विपक्ष ने बिल्कुल युवाओं के प्रति आवाज उठाई है। तो आइए देखते हैं, संसद नई, सरकार नई, सियासत नई, सत्र नया, तो जानिए और क्या क्या नया हुआ इस सत्र के पहले दिन, उसी के बारे में चर्चा करेंगे मेरे साथियों और आसानी भाषा में समझेंगे। जैसे कि टॉप स्टोरीज है इसके बारे में देख सकते हैं, केवल सत्र जो संसद का पहला दिन सत्र था, पहला दिन का यही सब चल रहा है। जैसे कि इसमें हाईलाइट में लिखा है, राहुल गांधी और पीएम मोदी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। जाहिर सी बात है, एक दूसरे का अभिवादन करेंगे, पूरा संसद जो बैठे हैं उसमें भी सब लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, शासन में सहमति जरूरी है, सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कौन? मोदी। ये मोदी का कहना है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, 18वीं लोकसभा का पहला दिन, 18वीं लोकसभा का पहला दिन है, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने आपातकाल के काले दिनों को याद किया। अब इसमें इसका क्या मैटर है? जब इंदिरा गांधी की सरकार थी मेरे साथियों, कांग्रेस की, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब उस सरकार में, आज जब हमारे संसद का पहला दिन है सत्र का, संसद में सत्र का पहला दिन है, उस समय इंदिरा गांधी के सरकार में, आज के ही दिन, जिस दिन में हमारे संसद में शपथ दिलाई जा रही है, उसी दिन हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा गांधी के सरकार में। तो आज तो सब लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उस दिन तो पूरा उसका काला बोला जाता है, काला कानून छाया हुआ था, बिल्कुल हमारा देश अंधेरे में था उस समय इमरजेंसी की। तो वही चीज का, वो चीजें किए, अवहेलना किए भारत के प्रधानमंत्री की, बहुत बेकार दिन था, काला दिन था उस दिन, और आज कितना बढ़िया दिन है, इनका कहने का मतलब है। यहाँ पर देखिए, विपक्ष ने कहा भाजपा का अघोषित आपातकाल खत्म। जैसे यहाँ पे बात हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेगी और रिजल्ट 3 गुना ज्यादा बेहतर मिलेगा। जो दो बार सरकार रही है उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत करेगी और 3 गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इंडिया गठबंधन ने कहा संविधान की रक्षा करेंगे। यहाँ पे यही सब चर्चाएं हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए, पीएम मोदी ने दिलाई इमरजेंसी तो विपक्ष ने नीट पर घेरा। अब इसमें विपक्ष ने, पीएम मोदी तो पहले की बात किए कि कांग्रेस के सरकार में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस दिन काला दिन था, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने मुद्दे की बात की। ये नहीं था कि ये चीजें हुआ वो चीजें हुआ, उन्होंने मुद्दे की बात की कि नीट का पेपर लीक हो गया, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। आए दिन सब पेपर लीक होते रहते हैं इस सरकार में, तो इस सरकार की कानून व्यवस्था कहाँ है और कैसे है, ऐसे चलेगा तो युवाओं का भविष्य का क्या होगा आगे चल के। उन्होंने युवाओं के लिए पहले ही दिन इस सत्र में आवाज उठाई, सबसे बड़ी बात है। विपक्ष है युवाओं के बारे में, जैसे विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से पहले ही सत्र का आगाज, और इसमें क्या हुआ, हम संविधान पर हमला नहीं होने देंगे, राहुल ने कहा। और उसके बाद में यहां पर देखिए, मोदी ने कहा जिम्मेदार विपक्ष चाहता है देश। जैसे इस पे ये चीजें कहा, 25 जून को भारत के लोकतंत्र पे जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। जैसे नरेंद्र, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि उसके 50 वर्ष हो रहे हैं, काला धब्बा लगा था, वो उसी पे चर्चा की है, जो पहले का था कांग्रेस में क्या था, ऐसे ही करते चले आए हैं। जो हमारी सरकार रही है 10 साल, पहले जो 10 साल रही है उसमें सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही बात की गई है, कभी युवाओं के ऊपर बात नहीं की गई है, और पहले दिन का सत्र में यही पे बात हुआ है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो युवाओं पे बात होनी चाहिए और मुद्दा पे बात होनी चाहिए, रोजगारी बात होनी चाहिए, कुछ बड़ी चीजें बात होनी चाहिए, और उन्होंने पिछले दौर में जो हुआ है उस पे बात हुआ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संविधान इमरजेंसी में कुचला गया मोदी, 10 साल से अघोषित इमरजेंसी है कांग्रेस बोली। यहाँ पर देख लीजिए, पीएम मोदी के आपातकाल वाली टिप्पणी पर कौन बोली, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा भाजपा बहुमत से चूक गई है, क्योंकि देश के लोगों को एहसास हो गया है कि संविधान के खिलाफ, इसलिए अल्पत्व में सरकार चला रही है, इसलिए अल्पत में सरकार चला रही है और जे जागरूक हो गया है, यहाँ पे 400 पार कह के धारणा इस बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। उन्होंने इसे खिलाफ में बोला,
और यहां पर देखिए 18वीं लोकसभा का सत्र 24 जून से शुरू हो गया है। यहां पे 24 जून 2024 से शुरू हो गया था, 3 जुलाई 2024 तक चलेगा। चुनाव जीतकर आए सांसद शपथ ले रहे हैं मेरे साथियों, लेकिन जैसे कि अभी स्पीकर की चर्चा चल रही थी, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा स्पीकर दोनों की, और इसमें देखते हैं क्योंकि एक विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा नीट यूजीसी नेट पेपर लीक प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगित पर मामला उठाया और वहां पे आवाज उठाई, सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, जिससे पहले ही दिन ही हंगामे के असर था हमारे पार्लियामेंट में। अब उसमें क्या था कि वो चाहता था कि जो प्रोटेम अध्यक्ष हैं वो यही शपथ दिलाते हैं, यही पहले इनको इनकी नियुक्ति होती है, उसके बाद में अस्थायी होते हैं, ये यही शपथ दिलाते हैं, तो ये भी उनके आधार पर नहीं हुआ। इसका ये विरोध किया विपक्ष ने, क्योंकि इसमें यह बताया गया था कि जो सबसे पुराने होते हैं, सबसे ज्यादा अनुभव होता है, जो कोई ज्यादा दिन सांसद रहे होते हैं उनको बनाया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो कांग्रेस से के सुरेश थे केरल के, तो उनको तो सबसे पुराने थे, सबसे ज्यादा अनुभव था, लेकिन उनको सरकार नहीं बनाई, शुरुआत में पुराने अंदाज में, यानी काफी हंगामेदार रही। लेकिन इस बीच लोकतंत्र की सुंदरता तस्वीर भी दिखाई दी, क्योंकि जो विपक्ष था सब संविधान लेके गए थे। जब मोदी सरकार, अपना नरेंद्र मोदी जी, वो एक शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब वहां पे उन्होंने हुंकार भरी और लगाई और संविधान ऊपर करके दिखाया कि यहाँ पे अब संविधान के खातिर, संविधान में हमारे लोकतंत्र में गलत नहीं होगा और ना कोई कुछ कर पाएगा, एक संविधान पे बात होगी और सबके हक में बात होगी, यही चीजें हुआ। उसके बाद में अस्थायी अध्यक्ष को लेकर संसद में पहले ही दिन हंगामा, जब अस्थायी अध्यक्ष को लेकर हंगामा हो सकता है, तब इसमें आगे आने वाले समय में मेरे साथियों, जो 26 तारीख को है लोकसभा स्पीकर और उसके बाद में डिप्टी स्पीकर का है, तो उसमें तो विपक्ष तो पहले से जब इतना आक्रोश में है, तब तो वहां पे अपना चुनाव तो निर्धारण कर सकती है, यहां पे उसका लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो सकता है। अगर चुनाव हुआ तो हमारे देश में पहली बार ऐसा होगा कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव के उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, और होगा इसमें। अब इसमें देख रहे हैं, शपथ के बाद पीएम मोदी ने सभी सांसदों का अभिवादन किया, उस दौरान राहुल गांधी ने भी दोनों हाथ से पीएम मोदी का अभिवादन स्वीकार किया। अब जैसे मेरे साथियों, बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। ऐसे दोनों सदन है, पक्ष और विपक्ष, उसकी बैठक को संबोधित करेंगी। यहाँ पे जिससे आप देख रहे हैं, विपक्ष का संविधान के साथ संसद में प्रवेश, कहाँ अब बातें होगी। विपक्ष ने कहा अब बातें होगी सिर्फ आम जनता की, अब बातें होगी सिर्फ आम जनता की। आज विपक्ष के नेताओं ने संसद परिषद में संविधान दिखाकर ये साफ कर दिया कि देश संविधान से चलेगा, देश हमारा संविधान से चलेगा। लेकिन वही जब सदन में शिक्षा मंत्री शपथ ग्रहण ले रहे थे, उसके बाद में सदन में नीट के नारे गूंज उठे, जैसे कि शिक्षा मंत्री को ये जब उनका शपथ ग्रहण हो रहा था, उसके बाद में नीट के नारे गूंज उठे। विपक्ष ने लगाया कि इतना धांधली हो रही है, इतना पेपर लीक हो रहा है, स्थगित हो रहा है, तो शिक्षा मंत्री के ऊपर ऐसे ऐसे बोले। तो ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि अब लोकतंत्र के मंदिर में किसी एक की मर्जी नहीं चलेगी। पहले अगर अपने मन मर्जी से जो दो बार सरकार रही है भाजपा की, एनडीए की, तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो अपने मन मर्जी से कर लेती थी, लेकिन अब विपक्ष का कहना है अब अपने मर्जी से नहीं होगा कोई भी काम। अब यहाँ पर जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, जैसे कौन कौन मुद्दे रहेंगे, किसान भी आते हैं, जो उनके मुद्दे उठनी चाहिए संसद में, युवाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, और पिछड़े की बात होगी। कांग्रेस का वादा है, विपक्ष ने बोला हम आपकी आवाज सदन में उठाएंगे, हर कीमत पर संविधान और लोकतंत्र बचाएंगे। कौन बोला ये, कांग्रेस की तरफ से है, एक विपक्ष की तरफ से है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, सदन में इंडिया एकजुट हुई, इंडिया गठबंधन एकजुट हुई, और यहाँ पे देख लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा, हम संविधान पर हमला नहीं होने देंगे, ये चर्चा हुई। उसके बाद में यहाँ पर देखिए राहुल गांधी, अखिलेश और इंडिया गठबंधन, सब लोग एक दूसरे को अभिवादन किया, जैसे कि मोदी को अभिवादन स्वीकार किया और अभिवादन किया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फिर पलटकर वार किया संविधान पर हमले स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार के पहले 15 दिन की कमियां भी गिनाई दी। पहले 15 दिन की कमियां, विपक्ष ने सरकार की कमियां गिना दी 15 दिन की, क्या हो रहा है। राहुल, अखिलेश, संघ, अवधेश पहली कतार में। यहां पर देख लीजिए,
राहुल गांधी ने उठाया जनता के असली मुद्दे, और जनता के असली मुद्दे उसमें युवाओं के भी मुद्दे शामिल है, और जो चीजें मुद्दे उठना चाहिए वो पहले दिन ही उठा वहां पे। अब यहां पे जैसे जो धांधली हुई थी, पेपर कैंसिल हुआ था, सारा चीजें इसमें यहां पे मेंशन है। भीषण ट्रेन दुर्घटना, यहां पे ट्वीट किया है इन्होंने ट्विटर पे, कश्मीर में आतंकी हमले, ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, यहां पे महंगाई, हर चीज पे इन्होंने बात किया पहले ही दिन, सत्र का पहला दिन था। और संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे राहुल गांधी, जैसे कि इन्होंने बताया यहां पे। अब यहां से खत्म हुआ सेशन मेरे साथियों। अब इससे क्या होता है कि सरकार में तभी मजा आता है, तभी युवाओं की बातें वहां पे सुनी जाती है, जब विपक्ष बहुत तगड़ा हो तभी हर युवा की बात वहां गूंजती है और संसद में पार्लियामेंट में पहुंचती है और युवा के बारे में कुछ अच्छा होता है। ऐसे रहा, अभी 26 जून को देखिए कि जो लोकसभा स्पीकर है उसका भी चुनाव होने वाला है। अब देखिए क्या निर्णय आता है, जो हमारे देशवासियों का इंतजार है और उसी दिन का इंतजार है, देखिए क्या होते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।